वक्त क्या हुआ है? हाँ मुझे पता है, मैं थोड़ी सी लेट हूँ तैयार होने में, थोड़ी सी लेट हो गई। बाल है ना वो सही कर्ल नहीं हो रहे होते या लिपस्टिक का सही शेड नहीं बन रहा होता, तो दो चार मिनट ऊपर हो जाते हैं। लेकिन बहुत बुरी बात है कहीं भी लेट होना, क्योंकि अगर हम वक्त की कदर नहीं करेंगे तो वक्त हमारी कदर नहीं करेगा। आपको पता है हर चीज़ जैसे वक्त मुनसर है घड़ी की सुइयों पर, और वो घड़ी की सुइयाँ हमें वक्त बताती हैं, वैसे ही वक्त हमें और बहुत कुछ बता देता है। जैसे कि रिश्तों की अहमियत और हर चीज़ की अहमियत, लोगों की अहमियत वक्त हमें बताता है। जैसे कि आज कल हम देख रहे हैं कि हम घर में कैद हो गए हैं, बंद हो गए, ये वक्त का तकाजा है। हम पहले आज़ादी से घूमा करते थे, लेकिन अब ये वक्त ऐसा पड़ा है कि हम घर में कैद होने पर मजबूर हो गए हैं। वैसे हम आज़ादी 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 कर रहे होते हैं, देखिए ये पलक झपकते वक्त ने हमारे साथ क्या खेल खेला, और हम अपने घरों से खुद ही नहीं निकल पा रहे। अपनी मर्जी से अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप के सर्वाइवल के लिए हम अपने घरों में ही कैद हैं। वो जो एक्टिविटीज़, वो जो मिलना जुलना हम किया करते थे, उन सब से हम बिल्कुल क्या कहते हैं ना, कटा ताल्लुक हो गए हैं और अपने घर में बंद हो गए हैं। वैसे ही वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें समझा देता है, सिखा देता है, कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, ये आपको वक्त ही बताता है। क्योंकि कभी कभी इंसान पे जब बुरा वक्त पड़ता है और आपके आसपास के लोग हैं, उनके सही चेहरे आपके सामने उसी वक्त नुमाया होते हैं, पर्दा उसी वक्त उठता है कि कौन आपके बुरे वक्त में आपके ज़्यादा करीब है, और कौन जो पहले करीब था आपके अच्छे वक्त में, वो आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहा है। अब वक्त की बात हो रही है, वक्त वक्त की बात है। एक ज़माना था कि माँ बाप अपनी बेटी की शादियों के लिए बहुत परेशान होते थे, रिश्ता अच्छा मिल गया, लड़का अच्छा है, रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना, मगर वो खर्चा नहीं है जो उसकी शादी पर करना है, मगर वो पैसे नहीं है, वो कमेटी नहीं खुली, वो प्लॉट नहीं बिका, जो भी अपने बेटी की शादी के लिए फंड्स इकट्ठे किए थे वो सब अब इस वक्त है नहीं, कैसे झटपट रिश्ता कर दें। तो फिर उस रिश्ते को रोकते हैं, मंगनी में कन्वर्ट करते हैं, मंगनी में मतलब लाइक बात पक्की करते हैं, और फिर जब वो सारे पैसे इकट्ठा हो जाते हैं जिसमें अपनी बच्ची की ड्रीम वेडिंग करनी है, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है, फिर वो शादी तरतीब दी जाती है। लेकिन आजकल वक्त ऐसा है कि आपको ज़्यादा पैसे जमा करने की ज़रूरत नहीं है अपनी बेटी की शादी के लिए, उसकी शादी सादगी से करना ही वक्त का तकाजा है एक्चुअली। क्योंकि ना आप उसको बड़े से हॉल में शादी उसकी ले जा सकते हैं, ना बड़े से गार्डन में, ना डेस्टिनेशन वेडिंग कर सकते हैं, ना कोई ज़्यादा लोगों को जमा कर सकते हैं, तो वो दिखावा, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं और आपका खर्चा कम हो जाता है।